अक्सर अश्वत्थामा के बारे में लोगों में गलत फहमी होती है कि वह भगवान कृष्ण के श्राप के कारण अमर हैं और पृथ्वी पर भटक रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि द्रोणाचार्य ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर ऐसे पुत्र की मांग की जो वीरता में भगवान शिव के बराबर हो। इसलिए अश्वत्थामा का जन्म भगवान शिव के 11 रुद्रों में से एक के अवतार के रूप में हुआ, जिससे वह चिरंजीवी बन गए। वह अपने माथे पर एक मणि के साथ पैदा हुए थे जो उन्हें रोग भय और भूख से बचाती थी। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने पहले सोते हुए पांडवों के बच्चों को मार डाला और फिर अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र अस्त्र चलाया। जब अर्जुन ने उसी अस्त्र का प्रयोग करके उसका प्रतिकार किया तो व्यापक विनाश को रोकने के लिए वेद व्यास ने हस्तक्षेप कर दोनों को अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। अश्वत्थामा को अस्त्र वापस लेना नहीं आता था, इसलिए उसने उसे उत्तरा के गर्भ की ओर तान दिया, जिससे उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण की मृत्यु हो गई। तब क्रोधित भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह 3000 वर्षों तक जख्मी हालत में अकेला पृथ्वी पर भटकता रहेगा। साथ ही पांडवों ने उसके माथे की मणि ले ली, जिसे युधिष्ठिर ने अपने मुकुट पर धारण किया। चूंकि महाभारत की घटना हुए 3000 साल से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए कह सकते हैं कि अश्वत्थामा अभी श्रापित नहीं है, परंतु चिरंजीवी होने के कारण जीवित है।